हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज्यादा विशेष ध्यान दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों ने, बिहार सरकार ने, जब महागठबंधन की सरकार 17 महीने थी बिहार में, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना करा के उसके बाद 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था। फिर हम भी लोगों का कैबिनेट प्रपोजल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजा गया था कि इस 75% के आरक्षण को शेड्यूल 9 में डाला जाए। तो हम तो चाहेंगे कि उसको जो सरकार आए वो शेड्यूल 9 में उस आरक्षण को डाले, और हम चाहेंगे कि देश भर में जाति आधारित गणना जो है वो कराई जाए। आप दो चीज को लेकर नीतीश कुमार के साथ थे, एक जातीय जनगणना और साथ में बिहार को स्पेशल पैकेज दिया, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जब सरकार में शामिल होंगे तो इस बात को रखेंगे? देखिए, हम लोगों की पुरानी मांग रही है जिसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है, और एक अच्छा मौका है उनको किंग मेकर के रूप में अगर है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं और पूरे देश में जाति जनगणना करवाएं, और जो बिहार का आरक्षण बढ़ाया गया 75% उसको शेड्यूल 9 में डाल दें। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस बार देखा गया, पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है, वो बहुमत से काफी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके दो बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है, तो काफी दबाव जो है हमको लगता है अगर देने पर पावर है, संख्या भारी है, तो बिहार के लिए तो इतना करना ही चाहिए। बिहार अगर थोड़ा परफॉर्म अच्छा कर लेता तो लगता है कि ये सरकार रुक जाती है एनडीए के गठबंधन? नहीं, आप देखिएगा पिछले बार के मुकाबले जो है एनडीए 39 लेके गई थी, इस बार केवल 30 लेके गई है। हाँ, बेहतर हमेशा हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जो परफॉर्मेंस किया है बेटर उससे परफॉर्मेंस हम लोग आगे भी करें, लेकिन हम लोगों ने कोई भी कैंपेनिंग में कोई कमी हम लोगों ने छोड़ी नहीं। और पूरे देश भर में हमने कहा था इस बार कि भाई चौंकाने वाला जो रिजल्ट है वो आएगा, और आप देखिएगा देश भर में ऐसा माहौल बना कि नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 240 से पहले उतर अटक गई।